हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं मोरनी हिल्स, जो चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, बाकी पहुंच के पता चलेगा कि कितना दूर है। ये हरियाणा का एक लौता हिल स्टेशन है, लोग इसको स्विट्जरलैंड ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी जा रहे हैं, जो आगे हमारा वेट कर रहे हैं। ये रही उनकी गाड़ी। और ये पहुंच चुके हैं। सही जगह। ओ भाई साहब, दिस इज द प्लेस। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी, और अब हम लोग निकल रहे हैं टिक्करताल के लिए। तो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में एरोमेटिक गार्डन भी है। पहुंच चुके हैं टिक्करताल के एंट्री गेट पे, और ये देखिए, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। तो गाइज, यहाँ भी एक पार्किंग है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और ये बहुत ही ओपन स्पेस है। साथी लोग ये देखो कितने एक्साइटेड हैं यहाँ घूमने के लिए। और ये गाइस, ये देखो, ये सामने आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं लेक के साथ ही रिजॉर्ट है, और आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं और रात का नज़ारा भी उठा सकते हैं। देखो गाइस, कितना ही मस्त है और कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य। कृपया आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ एक बार भी अवेलेबल है जहाँ आप विजिट कर सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं। वालों के लिए गाइस ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और बच्चे यहाँ खूब इंजॉय कर सकते हैं अपना। ये देखो आप, एक टॉय ट्रेन चल रही है, टॉय ट्रेन में बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और आगे आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे यहाँ बच्चों के लिए कोई जंपिंग बॉल्स हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस है। ये देखो आप, मिक्की माउस जंपिंग बाउंसर, जिसमें बच्चे बहुत ही सारा इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही साइड देखो गाइस, यहाँ कैंपिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और आप टेंट में भी रात को स्टे कर सकते हैं, नाइट स्टे का लुत्फ उठा सकते हैं आप यहाँ रुककर, और जो कि बहुत ही अच्छा एक व्यू दे रहा है, लेक के साथ में है। और रात को आप ये देखें, यहाँ पे डीजे, साथ में डीजे भी चलता है रात में, और आप एक बहुत ही म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो डांस भी कर रहे थे अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगा कुछ उनके मोमेंट्स जो डांस करते हुए उनके। ये देखो आप गाइस, ये बहुत ही अच्छा, कैसा, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। ये देखो गाइस, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम टोटली स्पीचलेस राइट नाउ। गाइस आप व्यू देखो आप यहाँ का, कितना ही सुंदर है। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा गाइस कि आप यहाँ ज़रूर 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 विज़िट करें, एक बार तो अपनी फैमिली को लेके आएँ और घुमाएँ यहाँ पर। Thank you.
ये देख सकते हैं आप, कुछ लेडीज नाचती हैं इन गानों पे। कैमल राइड भी अवेलेबल है यहाँ पे, टायर वॉल क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं आप लोग, और ख़ासकर बच्चे जिनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है ये। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस हैं, जो भी यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं यहाँ पे, तो उनके ये चार्जेस हैं। जैसे पैरासेलिंग के ये 500 रुपीज़ लेते हैं, और जिसने जेट स्कूटर पे राइड लेनी हो तो वो 1000 है पर पर्सन। और पैरामोटर को भी आप इंजॉय कर सकते हैं, तो उसके चार्जेस हैं 1500 पर राउंड। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी वाइफ जो है अपना पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शेयर कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फाइनली हमने अब डिसाइड कर लिया है बोटिंग करने का। ये हमने अपनी लाइफ जैकेट्स पहन ली हैं। अब हम जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट की तरफ। वो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से कैसा व्यू दिख रहा है लेक का, और आपको अभी मैं दिखाऊंगा जेट स्की के साथ और जो सोफा राइड है वो भी। ये देखो गाइस, ये जेट स्की आगे आगे है और ये सोफा राइड इससे कनेक्टेड है, और सोफा राइड लिया जा रहा है, उसका लिफ्ट उठाया जा रहा है। ये जेट स्की की राइड भी आप देख सकते हैं। ये आज हमने बहुत इंजॉय किया, और अब हम वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।